हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने आपके लिए एक क्वेश्चन डाला था पोल में कि आप लोगों को मैथ्स में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगता है। तो लगभग 54% स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो सबसे ज़्यादा टफ लगता है। इसलिए हम आज का टॉपिक लेके आए हैं कि आप लोग कैलकुलस में सबसे ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कि गिवन दैट कि अब अपने पास जेई मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचा है, कि 6 दिन बचे हैं और साथ ही साथ बिट सेट भी अब हमारे पास में है। ठीक है, तो बिट सेट के लिए भी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो इतने कम टाइम के अंदर हम लोग किस तरीके से इंटीग्रल कैलकुलस जो पार्ट है जो कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा वीक लगता है उसको एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन बना लें। अब आप अगर देखें तो इंटीग्रल कैलकुलस से लगभग 4 क्वेश्चंस तो जेई मेन्स में पक्का ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस प्लस मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को भी इसमें कंसिडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे टोटल मतलब अपने कौन कौन से टॉपिक्स हो जाते हैं। एक तो हो जाता है अपना डेफिनेट इंटीग्रल, देन दूसरा हो जाता है अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल, देन एरिया अंडर द कर्व, और मैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कंसिडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इन इस चारों से अगर हम टॉपिक की बात करें तो इन सब के मिला के 4 क्वेश्चन आते हैं जेई मेन्स में। अब अगर अपन ने मार्च के पेपर का अच्छे से एनालिसिस करा है ना, तो अपन को ये चीज़ पता चलेगी कि उनमें से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। अगर आप वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं सेक्शन से जो है क्वेश्चन फंस जाए। तो अब आपको एनालिसिस की टेंशन नहीं करनी है क्योंकि मैंने इसका प्रॉपर एनालिसिस कर लिया कि किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आया था। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको किन टॉपिक्स को पहले छूना चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है रिविजन के लिए तो फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप उन पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो आज का जो मैं पहले सबसे पहला टॉपिक उठाना चाहूंगा वो है डेफिनेट इंटीग्रल। रीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेई मेन्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल के मार्च शिफ्ट में आपके आए थे टोटल 9 क्वेश्चंस। पूरे हम मार्च के जितने भी शिफ्ट है सबके पकड़े तो टोटल 9 क्वेश्चंस आए थे, जिनके अंदर 5 तो आपके न्यूमेरिकल्स थे और 4 जो थे वो आपके एमसीक्यूज थे। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आइदर इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपका फंसेगा या तो फिर एमसीक्यू में। अब देखिए, एमसीक्यू में फंसा तो हो सकता है अपन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में लगा पाए, बट अगर न्यूमेरिकल में फंसता है तो वहां चांसेस कम है कि हमें कोई यहाँ पे स्मार्ट ट्रिक लग पाए। नहीं तो यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन कहीं ना कहीं कोई तरीके से लगा सकते हैं। देन इसमें अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो जाता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जितनी भी आपको मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसे प्रॉपर्टीज है वो सारी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टोटल आपके 3 क्वेश्चन आए थे इससे। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए थे, तो ये टॉपिक तो हमें सबसे पहले उठाना है, देखना है कि फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में प्रॉपर्टीज हर एक देखनी है। ठीक है, तो इसकी 4 से 5 प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। देन अगली बात करें तो अगला टॉपिक जो था वो था डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो इससे आया था 1 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अब तो इस तरीके से मतलब अब कुछ टॉपिक्स में हर एक से मतलब एक एक क्वेश्चन आए थे, तो बट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो आपको करके ही जानी है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अगर अल्टरनेट सेट की बात करें तो 1 क्वेश्चन फंस ही रहा है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के जाना तो मतलब अपने लिए यार बेवकूफी होगी कि इस टॉपिक को अपन को छोड़ के जा रहे हैं अगर। तो फिर देन डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, तो इसका क्वेश्चन भी बहुत ईजी है सॉल्व करना। आप एक सॉल्व एग्जाम्पल भी अगर देख लेंगे ना इसको किस तरीके से करते हैं, तो आप इसके क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन जो तीसरी प्रॉपर्टी यूज हुई थी वो थी एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो 1 क्वेश्चन इस पे बेस्ड आया था। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इसको बस अपन को चेक करना है कि वेदर ये जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन है कि नहीं, बस वो अगर आपने चेक कर लिया तो आप इसका इजिली आंसर निकाल सकते हैं। तो इससे आया था 1 क्वेश्चन। देन अगला जो क्वेश्चन आया था वो था इवन और ऑड प्रॉपर्टी वाला। तो आपको याद होगा कि अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से रिवाइज किया है तो प्रॉपर्टी में माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है अगर जो अपना एफ एक्स गिवन फंक्शन है वो ऑड हो, और इवन में ये क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a तक 2 into fx, ये चीज अपनी इवन के लिए होती है। तो इस तरीके से अपन को ये टॉपिक को जो है ध्यान रखना है। देन अगला टॉपिक मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करूं तो वो आया था अप्रोक्सीमेशन इन डेफिनेट इंटीग्रल पे। इसका क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया था, तो एक बार बस अपन को टॉपिक इसका देखना है कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चन फंस रहा है इसमें, तो उसके बेसिस पे आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बाकी जो एक हाथ मतलब बाकी जो बचे हुए 2 क्वेश्चन थे वो बाकी चैप्टर से थे, पर सबसे पहले तो इतने जितने टॉपिक्स हैं ना ये स्पेसिफिक आपके जो मैंने टॉपिक्स बताए इनको आपको अच्छे से करके जाना है।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बिट सेट के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो कौन सी जो प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, तो एक तो हो जाती है अपनी इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, ये इस तरीके से आप लिखते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स, है ना, ये जो प्रॉपर्टी रहती है ये वाली काफ़ी यूजफुल है। तो इसमें जो अगर अपन मेंस की भी बात करें तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन आया इस टाइप का, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके आती है वो शॉर्ट ट्रिक। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन टू, तो ये आप हमेशा के लिए याद रखिए, ठीक है, क्योंकि 2015 के जेई मेंस के पेपर में आया था तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि इसकी वैल्यू अगर अपन ने बस ये चेक किया कि जो फंक्शन है अपना वो इस तरीके से है कि नहीं ए प्लस बी माइनस एक्स, जहाँ पे ए अपनी लोअर लिमिट है और बी जो है अपर लिमिट है, तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन टू। चलिए तो अपन ने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल को देख लिया, अगर आपने मैंने जितने बताए हुए टॉपिक्स हैं उनको पहले रिवाइज कर लिया और उसके बाद चैप्टर के थोड़े बहुत और प्रॉपर्टी से याद रख ली तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में फुल स्कोर कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना एरिया अंडर द कर्व्स। तो एरिया अंडर द कर्व्स जो है वो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे टोटल आपके फंसे थे 5 क्वेश्चन सारे शिफ्ट के अगर हम पकड़े, जिसमें से आपके 3 तो न्यूमेरिकल्स थे और 2 जो थे वो आपके एमसीक्यूज थे। तो यहां पे इस तरीके से इसका एनालिसिस, और 3 क्वेश्चन जो आए थे वो प्योर आए थे क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व, तो यार अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो आप एरिया अंडर द कर्व इजीली निकाल सकते हैं। आपको क्या रहेगा, उसका सबसे पहले कर्व प्लॉट करना पड़ेगा और कुछ 2 पॉइंट के बीच में आपको निकालना रहेगा, जैसे ए टू बी निकालना है तो ये वाला एरिया हो जाएगा। तो आप सिंपली ये जो एफ एक्स फंक्शन दिया है इसको इंटीग्रेट करिए ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर फिर अगर 2 कर्व का इंटरसेक्शन रहा तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए तो सबसे पहले उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लिया और उस हिसाब से निकाल सकते हैं। बट मैंने इसमें भी आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताई थी कि अगर आपका जो है प्लॉट कुछ इस हिसाब से, मतलब थोड़ा ऐसा कुछ बन रहा है मान लीजिए, तो अपन इसको कुछ तरीके से ऐसा ले सकते हैं, एक ट्राइंगल ले सकते हैं, ठीक है, उस ट्राइंगल का निकाला उससे अप्रोक्सीमेशन, तो एक शार्प कॉर्नर बना बना के इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अगर मेरे शॉर्ट ट्रिक के वीडियो देखे तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन किए एरिया अंडर द कर्व के बाय सम टेकिंग अप्रोक्सीमेशन, तो वो वाले क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। देन जो 2 क्वेश्चन आए थे आपके, तो वो 2 क्वेश्चन थे एरिया अंडर द कर्व प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, और डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेसिफिक उन्होंने किस कॉन्सेप्ट को यूज किया था, एक तो अपना होमोजीनियस इक्वेशन वाला जो होता है वो यूज हुआ था, और दूसरा जो है वेरिएबल सेपरेशन। तो ये दोनों ही मेथड काफी फेमस है डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो ये हमें देख के जाना चाहिए अगर हम ये चीज अज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से फंसने वाला है। तो यहां पे आपकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से फंसे। तो मतलब आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन तो पक्का है कि भाई एरिया अंडर द कर्व का अगर आ रहा है तो वो प्योर उसके बेस पे आ सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिक्स हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसका मतलब है कि अपन को स्ट्रांग होना चाहिए ताकि अपन एरिया अंडर द कर्व का कर पाए। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स हो गए। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूं ना उसी ऑर्डर में आपको करना चाहिए, पहले डेफिनेट इंटीग्रल निपटाया क्योंकि वो ईजी भी है, साथ ही साथ स्कोरिंग कितना है मतलब उसका वेटेज आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है, फिर उसके बाद एरिया अंडर द कर्व करें क्योंकि वो इजी भी है और उसका मतलब वेटेज भी ठीक ठाक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वेटेज अच्छा है, इसके मतलब लगभग 7 क्वेश्चंस आए थे आपके शिफ्ट्स में और ये सातों के सातों जो थे एमसीक्यूज थे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसका क्वेश्चन फंसता है तो वो न्यूमेरिकल में नहीं फंसेगा और एमसीक्यू में ही आएगा। तो इसके टोटल 5 क्वेश्चन थे आए थे, वो किस टॉपिक से आए थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आई थिंक आप लोगों को पता होगा, तो इसमें चारों के चारों क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा अपन को जुगाड़ करके सब्सटीट्यूशन करके सेट करके उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी कैसी हो जाती है, dy by dx plus py is equal to q, जहां पे अपने p और q जो होते हैं ना वो दोनों ही प्योर फंक्शन होते हैं ऑफ x। तो इस तरीके से अपन को इक्वेशन को थोड़ा इस फॉर्म में लाना पड़ता है, और उसके बाद आपको सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जो कि अपना e रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकल आता है, और फिर उसके बाद फाइनल इक्वेशन आप ऐसे लिख देते हैं y into इंटीग्रेटिंग ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट। इस तरीके से जो है आपका फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप सोचिए 5 क्वेश्चन इससे आए थे, मतलब प्रॉपर चांसेस है कि एक क्वेश्चन जो इससे फंस सकता है। तो इसका मेथड तो मैंने यहीं के यहीं आपको बता दिया, अगर आप ये मेथड को अच्छे से समझ लेते 3-4 इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो चांसेस है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट पक्का करके आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का।
देन जो बचे हुए क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन मेथड का आया था, तो वेरिएबल सेपरेशन देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आया था और एक क्वेश्चन जो एरिया अंडर द कर्व में उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, तो ये हमें देखना है। और एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कोई आपको एक फंक्शन दिया है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो ये बहुत ही ईजी होता है, बार बार उस फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट करना रहता है, उसकी मदद से अपन जो है उसको बना पाते हैं उसका, तो ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, तो ये काफ़ी ईजी है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। अगर इसका एक हाथ क्वेश्चन फंस जाता है हमारे सेट में तो हम इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जितने भी अदर मेथड्स हैं, ठीक है, उनको एक बार नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अब चांसेस इतने में तो हो गए, लेकिन अदर मेथड्स जैसे आपका होमोजीनियस हो गया, फिर नॉन होमोजीनियस से होमोजीनियस में कैसे बनाते हैं, दो क्वेश्चन अभी आया नहीं है उसका, लेकिन आने के चांसेस पूरे हैं, तो अगर आपको टाइम बचता है तो आप इन अदर मेथड्स पे भी एक बार नज़र मार सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको छोड़ के नहीं जाना है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक, तो आखिरी में आप देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना पूरा रटने का है, लगभग इसमें लगभग आपको जो फॉर्मूले है ना उसके मेथड एक बार आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो कि भाई सब्सटीट्यूशन में ये होता है वो होता है, फिर भी सब्सटीट्यूशन में आपको एक थोड़ी टेक्निक बताता हूँ जिसके थ्रू आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या सब्सटीट्यूट होगा और उसमें क्या सब्सटीट्यूट होगा। तो अगर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन तो आपके थे न्यूमेरिकल्स के और एक क्वेश्चन जो आया था वो था आपका एमसीक्यू का, यानी कि ये चीज है कि भाई चांसेस है कि आपका न्यूमेरिकल में ही फंस सकता है, एमसीक्यू में भी नहीं, तो इसमें अपन कुछ भी नहीं कह सकते। और ये जो तीनों क्वेश्चन थे ये आपके इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से आए थे, तो आप समझ ही रहे सब्सटीट्यूशन मेथड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और कोई टॉपिक नहीं, ना आइलेट रूल ना पार्शियल फ्रैक्शन, सिर्फ इसी से आया था, ठीक है, तो इसके अंदर जो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, अपन को हर फंक्शन का पता होना चाहिए कि किस टाइप से फंक्शन दिख रहा है तो उसमें क्या सब्सटीट्यूट करना है। अब जैसे अगर आपके फंक्शन में मान लीजिए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का कोई फंक्शन है, तो आपके दिमाग में यार इसको ना इस हिसाब से सेट करिए कि आपके दिमाग में आइडेंटिटी आए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि अपन को यहां पे ए कॉस थीटा अगर मैं पुट कर देता हूं एक्स की जगह, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा विच विल बी ए साइन थीटा, तो अपन इजीली सब्सटीट्यूशन में अपन को समझ आ रहा है कि ये चीज को यूज करना है। ऐसे ही अपन देख सकते हैं कि एफ ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको इस आइडेंटिटी से याद रखिए, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो सेक्स स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो इस तरीके से हमें जो है ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, तो अपन को यहाँ पे एक्स की जगह हमेशा ए टेन एक्स को पुट करना है ताकि अपन को ए सेक एक्स मिल जाए। तो देखिए सब्सटीट्यूशन जो इस तरीके से अगर अपन याद रखेंगे ना अपन को बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो कई बार तो अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्सटीट्यूट करना पड़ता है या कुछ और सब्सटीट्यूट करना पड़ता है 1/t या इस टाइप के टर्म, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से सब्सटीट्यूशन का करना है, इसके थोड़े से क्वेश्चन हर सब्सटीट्यूशन पर करते जाइए तो आप इस टॉपिक को भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन ही निपटाना है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आइलेट रूल को देखिए, जो कि है मतलब हमारा बाय पार्ट्स फंक्शन है ना, तो वो सिंपली कैसे हो जाता है, अगर दो फंक्शन अपने को फर्स्ट इंटू सेकेंड दिया है तो दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट फंक्शन को अकेला लिखिए फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ऑफ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस तरीके से जो है अपन लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है अपने बाय पार्ट्स का, तो ये भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो चीज़ बचती है वो अपन अगर अपने पास टाइम बचता है तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले देख सकते हैं, उसमें अपन को फंक्शन को बस एक तरीके से पार्शियली ब्रेक करना होता है, उसके बाद अपन इंटीग्रेट करते हैं, तो जो कि अपने लिए इजियर मेथड होता है। तो ये सब चीज़ें आपने, मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए ना, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के अगर आप क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन के आपका बेसिक सारे क्लियर है, ठीक है, उसमें मतलब इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि आप उतना भी आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद आरडी शर्मा के ऑब्जेक्टिव के थोड़े वैरायटी के क्वेश्चन लगा लीजिए, अगर आपने ये चीज़ें इन 6 दिनों में फॉलो कर ली तो आपका इंटीग्रल कैलकुलस से पक्का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, आप उसमें फुल स्कोर कर सकते हैं, और फुल स्कोर यानी कि भाई 4 क्वेश्चन, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इंटीग्रल कैलकुलस 4 क्वेश्चन जो कि आपको टोटल देके जाएंगे 16 मार्क्स, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसी में बच्चे जो है कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, अपने मार्क्स खोते हैं, तो अगर आप जानते हैं एक एक मार्क्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो जिस तरीके से मैंने बताया जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बोले अगर उनको पहले निपटा के फिर बचे हुए टॉपिक्स को करते तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उतना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको मतलब कुछ
अच्छा जानने को मिला होगा, ठीक है, जो मैंने प्रॉपर एनालिसिस बताया उस एनालिसिस से आप चलेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने आने वाले अटेम्प्ट में। तो यही जो टॉपिक्स बोले ये आपके बिट साइट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाइए। देन अपन मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नए कॉन्सेप्ट या ट्रिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और जोरों शोरों से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।